एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कल्पना शर्मा और ये है मेरा बेटा अद्विक। हेलो बोलो। हेलो से हेलो। मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर। ये वीडियो मैंने दो कारण से बनाया है। एक तो मैं अपने बेटे की जो मेमोरीज है उसको कुछ अच्छे तरीके से एडिट वेडिट करके अच्छे से मैं सेव करना चाहूँगी। प्लस अभी यूट्यूब का इतना ट्रेंड है एंड मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत एनकरेज किया। थैंक यू सो मच रूपा स्पेशली फॉर एनकरेजिंग मी। तो एंड दूसरा रीज़न ये है कि मैं खुद भी अपने आप को थोड़ा बिजी रखना चाहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं और हम जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी पे सामान डाल रहे हैं। अद्विक मम्मी के गोद पे है। का जान जा भंजा रे सी लंग मत ता देव। हां जी देव के सी लंग मत देव। हां जी देव के आई पो कर दू। ओ मुनुआ हाय। बॉसली सीट हो गई, नातनी सीट हो। हुनू ना पापा हुनू ना। It's been way too long since I almost caught her. तो अभी हमने यहाँ पे अपना ट्रिप स्टार्ट कर लिया है। कुछ देर के लिए रुके थे तेल भराने के लिए। अद्विक सो गया है, वो बहुत ही जल्दी उठ गया था आज, तो उसे नींद आई है तो वो सो गया है। तो यहाँ हम करीब 10:30 के शिलोंग पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोग सीधा होटल गए। होटल जाने के बाद अपना लगेज रखा और उसके बाद हम खाने के लिए आ गए थे क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी हुई। तो लंच करने के बाद हम लोग सीधा होटल चले गए, वहाँ थोड़ा रेस्ट लिया एंड वहाँ हम लोग सोमादी एंड जीजू को भी मिले। तो अभी हम सब साथ में निकल के आए हैं पुलिस बाजार में। बहुत ही अच्छा लगा क्रिसमस यहाँ पे आके। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं वैसे तो शिलोंग बहुत बार आई हूँ, गुवाहाटी से शिलोंग ज़्यादा दूर नहीं है, बट क्रिसमस ये मेरा फर्स्ट टाइम है। नॉट ओनली मेरा, मेरे हस्बैंड का भी फर्स्ट टाइम है, तो हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया। मुझे पूरा ट्रिप में बस दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे तो सब चीज़ें अच्छा लगा लेकिन दो, एक तो था कि ये जिस शाम को हम लोग जिस दिन को हम लोग पहुँचे उसका शाम जो अभी हम लोग पुलिस बाजार पे हैं, ये यहाँ पर क्राउड, लाइट, खाना, वेदर बहुत ठंडा था, बहुत ही अच्छा लगता था। और दूसरा था शॉपिंग। पुलिस बाजार घूमने के बाद हम लोग चर्च गए। चर्च पहुँचते पहुँचते बारिश देना शुरू हो गया था तो मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि अद्विक को पकड़ना था एंड वीडियो पॉसिबल नहीं था बारिश में। तो यहाँ हम अपने रूम पे आ गए हैं। यहाँ अद्विक बेड में ही वाटर बोतल के साथ थोड़ा खेल रहा है।
तो अभी हम यहाँ पे सोमादी के रूम पे आए थे जहाँ हम लोग ने डिनर साथ में किया। अदबी को बहुत जोर से नींद आई थी बट बिना झूले के वो सो नहीं पाया था, तो दी यहाँ पे ट्राई कर रही है उसको सुलाने के लिए। सोमादी के रूम पे डिनर करने के बाद हम लोग अपने रूम पे आके सो गए थे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग को मैंने वीडियो लिया था क्योंकि इसमें अदबी का गाल बहुत ही लाल लाल था, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था एंड मैं इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहती थी। वो इतनी ठंड के मारे बेड से उठ ही नहीं पा रहा था। वैसे तो अद्विक नींद टूटते ही वो उठ के इधर उधर जाना शुरू करता है, बट वहाँ पे इतनी ठंड थी कि वो बेड में ही था, बेड में इधर हम मुझको देख रहा था तो पापा को देख रहा था। यहाँ हम सब निकल के आए हैं रेडी होके गोल्फ फील्ड जाने के लिए। अद्विक सो रहा था तो उसे कैरी कोट में ही लेके आ गए। गोल्फ फील्ड पहुँचने के बाद अद्विक ने बहुत इन्जॉय किया। आई थिंक ये उसका फर्स्ट टाइम था जब वो पूरे फील्ड में नीचे, मतलब हम लोग ने उसे कभी नीचे छोड़ा होगा। घर के अंदर वो मैट में रहता है लेकिन बाहर हम लोग ने उसको अभी तक छोड़ा नहीं था, ये उसका फर्स्ट टाइम था। वो बहुत इन्जॉय कर रहा था नीचे खेल के, वो गोदी में आने के लिए रेडी ही नहीं था। लेकिन ज़्यादा टाइम हम लोग के पास था नहीं तो हम लोग शायद वहाँ पे एक डेढ़ घंटा हम लोग वहाँ पे थे, चाय वाय पिया फिर हम वहाँ से निकल गए। जल्दी उठवाओ उठता है अच्छा ये कल्पना में डूबते नहीं अभी सारा इट्स बीन व्हाई डू लॉन्ग सिंस आई ऑलमोस्ट कॉट इट बी लेट मी लाई हियर अ व्हाइल अनटिल द डे मूव्स ओवर हेलो के बाद मैं और सोमादी शॉपिंग के लिए आ गए थे एंड तपन जीजू और अद्विक जो है वो होटल चले गए थे। क्योंकि लास्ट डे हम लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कुछ खरीदने के लिए, हम बस देख के आए थे। तो आज हम लोग का लास्ट डे था एंड टाइम भी इतना नहीं था तो हम लोग ने फटाफट जो हम लोग को चाहिए था वो लेके हम निकल गए। अभी बाय बाय शिलोंग बढ़िया है। अभी हम शिलोंग से निकल रहे हैं, हम जाते जाते आयुष जो सोमादी का बेटा है उसको पिकअप करके जाएंगे। एक्चुअली वो अपनी फ्रेंड के वहाँ रुका था एंड बिल्कुल भी हमारे साथ गुवाहाटी नहीं जाना चाहता था, इवन वो न्यू ईयर तक अपने फ्रेंड के साथ रहना चाहता था। तो एनी हाउ हम लोग ने उसको कन्विंस करके हम लोग तेरा और मेरे लिए दिया। मां थैंक यू, हम तो आपसे मांगने वाला था अभी वही कहाँ रखेगा बोल तो आयुष बोलो ना गुवाहाटी जाना है, देखो तो मुंह लटक गया। आयुष थोड़ा रुको तो रास्ते में हम यहाँ व्यू पॉइंट में कुछ देर के लिए रुके थे, कुछ फोटो क्लिक्स किया फिर वहाँ से हम निकल गए। हम तो वीडियो कर रहे बबली
फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। हम सुमति को ड्रॉप करके उनके घर पे चाय पी के आए हैं। घर पे मम्मी हैं। हमला मिस कर नुवा मैं बोल ली ना हाथ न बोल ली ना मुझे तो हाथ न माचा नहीं नुवा हाँ माचा हाँ आ गई भाभी मैंने गाल रहा तो हाथ ऐसे करी अरे वो ठंडा मिला क्या नस्ले लांगनी ता यहाँ अद्विक मम्मी के साथ टीवी देख रहा है। वो बहुत एंजॉय करता है टीवी देखना। एंड यहाँ पे माँ के हाथ का खाना। ओह माय गॉड, हम लोग जब पहुँचे तो बहुत भूख लग रही थी। एंड मम्मी ने फिश चिकन मिक्स वेज दाल बहुत ही टेस्टी से बनाया था। यहाँ कुछ मिठाइयाँ हम लोग लेके आए थे मम्मी के लिए। इसमें से बनाना चिप्स जो है वो सोमादी ने मम्मी के लिए भेजा हुआ था। बहुत अच्छे से हम लोग ने खाया, इन्जॉय किया। एंड ये लास्ट हम लोग का था अद्विक को मालिश करना। अभी भी उसके गाल लाल है, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसको उसका मालिश करके हम लोग ने उसे सुला